हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप? आज तो आज हम बनाने वाले हैं टूटी फ्रूटी केक, जिसकी रेसिपी बिल्कुल अलग है। तो चलिए जल्दी से अवन को प्रीहीट पे लगा देते हैं, और जो लोग इसको कढ़ाई या कुकर में बनाने वाले हैं तो वो लोग भी अपनी कढ़ाई या कुकर गैस पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ऑन कर दें और उसको भारी ढक्कन से ढक दें। तो इस केक को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3/4 कप चीनी ली है, ये घर की पिसी हुई चीनी है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप से नाप रही हूँ। तो 1/4 कप से जब आप 3 बार पिसी हुई चीनी लेंगे तो वो 3/4 कप हो जाती है। तो यहाँ पे 2 कप मैं डाल चुकी हूँ, और ये गया मेरा 3रा कप, ये 1/4 कप है। तो टोटल हमने ले लिया है 3/4 कप चीनी। इसी तरीके से हम दही को भी नापेंगे, तो दही भी हमें 3/4 कप ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही 1/4 कप लिया है जिससे मैंने चीनी नापी थी। आप देख सकते हैं साइड में थोड़ी सी चीनी लगी हुई है, और अब हम इस कप से 3 बार दही इसमें डाल देंगे। मैं इतना ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है 3/4 कप नापने के लिए। सच बताऊं तो पर्सनली मैं भी इसी तरीके से 3/4 कप नापती हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी इसी तरीके से नापें, क्योंकि इस तरीके से नापने से बिल्कुल परफेक्ट हिसाब आता है और केक बिल्कुल बढ़िया राइज होके आता है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर करने के लिए मैंने 1/2 कप ले लिया है, और अब हम इसको फुल भर लेंगे। अगर आप इसकी जगह बटर या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप 1/2 कप का ही इस्तेमाल करें, मतलब 1/2 कप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 कप इज इक्वल टू अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ बटर। तो वो जो एक टिक्की आती है अमूल बटर की, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ले आइएगा और फिर डालिएगा इस बैटर में। और यहाँ पर हमने इसको फेंटना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये केक बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बन के तैयार होता है इसलिए मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि जब ये केक बन जाता है तो केवल बच्चे ही खाते हैं, इसे हम लोग भी खाते हैं, इसलिए मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। ऑयल में आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो इसका इस्तेमाल मत करिएगा। और अब मैंने बोल के ऊपर ही डायरेक्टली छन्नी लगा दी है ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को छानने के लिए। तो ड्राई इंग्रेडिएंट में सबसे पहले जाएगा 1.5 कप ऑफ मैदा, मतलब 1.5 कप मैदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 कप डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप और। तो ये हो गया हमारा 1.5 कप मैदा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और करीबन 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। छानते हम इसलिए हैं ताकि अगर इनमें कुछ मोटे कण हो वो ऊपर छन्नी में ही रह जाएं, और हमारा केक बिल्कुल बढ़िया बन गया है। और ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से छन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। हमें इनको बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है। इनको मिक्स करने का एक तरीका होता है, वो है कट एंड फोल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट फोल्ड कट फोल्ड। कट एंड फोल्ड मेथड से ओवर मिक्सिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से ग्लूटन नहीं फॉर्म होता है। ग्लूटन फॉर्म होने से जो हमारा केक है वो बहुत ज़्यादा डेंस बन जाता है और थोड़ा च्यूई हो जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने से केक का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये किसी भी दुकान पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। एक छोटी बॉटल वनीला एसेंस की केवल 25 रुपीज़ की आती है। और अब हमने इसमें डाल दी है टूटी फ्रूटी। ये टूटी फ्रूटी या चेरी, जो भी आप इसको कहना पसंद करते हैं, ये आपको किसी भी अचार की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप एक बार में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले भी आते हैं तो आप इसको काउंटर पे ही रख के एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम अचार को स्टोर करते हैं। ये ख़राब नहीं होती हैं। और ये सभी चीज़ें ऑलमोस्ट मिक्स होकर तैयार हो गई हैं, और केक का बैटर जो है वो काफ़ी डेंस लग रहा है।
तो अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1/4 कप दूध। दूध की जगह आप इस समय पानी भी डाल सकते हैं, मगर अगर आप दूध डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये केक बिल्कुल ब्रिटानिया फ्रूट केक जैसा बन के आता है, जो एगलेस वाला आता है मार्केट में, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो आपको इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका केक ब्रिटानिया केक से बेटर बना कि नहीं। और हाँ, इसको बेक करने के बाद फाइनल रिजल्ट्स की फोटोज मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडीज मेरे चैनल के होम पेज पे दी गई हैं, ज़रूर आप मेरे साथ इसकी फ़ोटोज शेयर करिएगा और मैं उन्हें डालूँगी अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। तो इस बैटर को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लोफ पैन को पहले से ही ग्रीस करके रख रखा है। अगर आपके पास लोफ पैन नहीं है तो आप अपने नॉर्मल केक के पैन में भी इसको बेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है अपने लोफ पैन को, और अब हम इस बैटर को इसमें डाल दे रहे हैं अच्छे से। बैटर को लोफ पैन में डालने के बाद हम इसको 2 से 3 बार काउंटर पे ही टैप कर लेंगे, ताकि बीच में अगर कोई बड़े बड़े एयर बबल्स आ जाएं तो वो हट जाएं। और अब हमारा ये केक जा रहा है अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 40 से 50 मिनट तक बेक होने के लिए। 40 मिनट बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर टूथपिक पे केक का बैटर लगा हुआ आता है तो 10 मिनट के लिए और बेक कर लीजिएगा। और जो लोग इसको कढ़ाई या कुकर में बनाने वाले हैं तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखिएगा और इसको 40 मिनट तक बेक कर लीजिएगा। कढ़ाई में बना रहे हैं तो बार बार ढक्कन खोल के मत देखिएगा, वरना इसका टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाता है। और कुकर में बना रहे हैं तो सीटी को निकालना मत भूलिएगा। और ये ऑलमोस्ट 40 मिनट बाद हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली बेक होके तैयार है। ये ऊपर से भी ब्राउन हो गया है, नीचे से भी ब्राउन हो गया, बहुत ही लाजवाब बेक होके तैयार हुआ है। जो मार्केट का ब्रिटानिया फ्रूट केक आता है उससे बहुत ही बेटर आया था इसका टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो डीमोल्ड करते समय पहले हम चाकू इस तरीके से चारों तरफ इसके फिरा देंगे, ताकि ये बहुत ही आसानी से निकल के आ जाए। और अब मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ। मैं पर्सनली इसको वीकेंड्स पे बेक करती हूँ, या फिर हमें अगर किसी जर्नी में जाना होता है, स्पेशली कार में अगर 2 से 3 घंटे की जर्नी है, तो इसको पक्के से बेक करती हूँ। बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, बच्चों का तो बहाना है, हमें भी काफ़ी पसंद आता है। और ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल बढ़िया ब्रिटानिया फ्रूट केक जैसा। बाहर से ब्राउन है, अंदर से सॉफ्ट है। और यहाँ पे मैं आपको दूसरा केक का पीस भी काट के दिखा देती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।